मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च एरिया वेट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप कैसे ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप जब अप्लाई करोगे तो आपको किस किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप कैसे अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हो, कैसे आप अपनी पासपोर्ट की ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको अपने वीडियो में देने वाला हूँ। आपको मैं अपने वीडियो में यह भी बताऊँगा कि ECR NON-ECR क्या होता है और आप कौन सा ऑप्शन चुन सकते हो अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के टाइम। तो गाइस, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, आपको पूरी प्रोसेस देखने के लिए कि आपको कैसे गूगल में जाना है, कौन सी वेबसाइट खोलना है, कैसे आपको फॉर्म ओपन करना है, कैसे आपको फ़ीस सबमिट करना है, फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको जो आपका सेवा केंद्र रहेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ पर कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, कौन सी जीरोक्स कॉपी ले जाना है और वहाँ जाकर आपको कैसे वेरीफाई कराना है सारे डॉक्यूमेंट, आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद आपको कैसे ट्रैक करना है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कब होगा और आपके घर तक पासपोर्ट कब आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको अपने वीडियो में देने वाला हूं। तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको यहां पर गूगल में जाके टाइप करना पड़ेगा ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन। जैसे ही आप जाकर पासपोर्ट ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन आप टाइप करोगे गूगल में, तो आपके पास एक वेबसाइट इस तरह से ये मैप करके दे देगा आपको यहाँ पर, जिसमें से आप जो फर्स्ट आएगा और जो हमारे पास वेबसाइट होती है passportindia.government.in, आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसके जो मेन पासपोर्ट की जहां से हमें अप्लाई करना है वो वेबसाइट खुल जाएगी यहां पर। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा पोर्टल टू passportindia.government, इसकी ये मेन वेबसाइट है। अब यहाँ पर आके आपको यहाँ ऐसा कुछ स्टेप्स दी हुई है जिसमें आपको जो स्टेप फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है अपने पासपोर्ट के लिए, जिसमें से फर्स्ट स्टेप इन्होंने दी है रजिस्टर नाउ। आपको सबसे पहले एक अपनी लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगी, वो लॉगिन आईडी बनाकर ही आप मेन फॉर्म में जाओगे, वो फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड करना पड़ेगा, यहीं से फिर आपकी प्रोसेस शुरू होगी। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे रजिस्टर्ड नाउ जहाँ लिखा था वहां से आपको ये फॉर्म खुल जाएगा यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देना है कि आपको किस शहर के पासपोर्ट ऑफिस में जाकर आपका पासपोर्ट ऑफिस के में आपका पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ भोपाल लिख दिया। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर, मेरा नाम पूरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, पर यहाँ पर डॉक्टर कर्नल इस टाइप की चीजें अलाउ नहीं है। सिंपल आपको बस अपना नाम लिखना है मोहम्मद ज़ुबैर, सरनेम जरूरी नहीं है क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा एक एक्सट्रिक का साइन है, ये एक्सट्रिक का साइन दर्शाता है कि जो जहाँ जिस फील्ड में एक्सट्रिक का साइन होगा ये चिन्ह होगा वो फील आपको भरना ही पड़ेगी, वो कंपलसरी है भरने के लिए। और जिसमें ये एक्सट्रिक का साइन नहीं है जैसे सरनेम में लिखा हुआ है तो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप भर भी सकते हो, आप चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप ही डाल दोगे, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18th October 1990, ये मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दी है। जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली इससे यहाँ मुझसे यहाँ पर एक ईमेल आईडी पूछी गई है, ईमेल आईडी में मैं क्या ईमेल आईडी देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी देना चाहता हूँ mzm111@gmail.com, ये मैंने अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी दे दी है। ये ईमेल आईडी को मैं अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा, आप यहाँ पर कोई सा पासवर्ड दे सकते हो जो आपको लगे, पासवर्ड जो आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड देना है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में आपका पासवर्ड नहीं आ जाता यहीं से आप लॉगिन हो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड कुछ भी जो आपको याद रहे वो पासवर्ड आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दिया है। यहाँ पर कंफर्म भी आपको पासवर्ड करना पड़ेगा एक बार कि आप
आपने जो पासवर्ड दिया है ऊपर वो दो बार यहाँ पर देख के आपको कंफर्म कराना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर दोगे उसके बाद एक हिंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, जैसे आपकी बर्थ सिटी क्या है, मेरी बर्थ सिटी भोपाल है, मैंने भोपाल डाल दी, आपके जो है डाल सकते हो। एक हिंट क्वेश्चन भी इसलिए होता है कि सपोज आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हो, तो ये हिंट क्वेश्चन की मदद से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। यहाँ पर हमने जैसे ये दिया है उसके बाद पे यहाँ पर एक कैप्चा से ये बोलेगा कि आपका कैप्चा में आपको क्या भरना है, तो यहाँ पर सिंपली EM यहाँ पर कैप्स लॉक में ENKGRQ ये आप कैप्स लॉक में यहाँ देख कर वो सेम भरना। जैसे आप के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए रजिस्टर नाउ पे, जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो वो आपको बता देगा कोई सी फील्ड में अगर मिस्टेक होगी तो। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल, अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। सो गाइस हमने देखा कि हमारा जो यूजर रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है, हमें एक लॉगिंग आईडी मिल गई है, हमारे पास एक पासवर्ड आ गया है। अब हमें उस लॉगिंग आईडी और पासवर्ड की हेल्प से अपना आगे के प्रोसेस करना है। तो हमें सबसे पहले जो हमने यहाँ पर अपनी लॉगिंग आईडी ईमेल आईडी को बनाया है तो हमें अपनी ईमेल आईडी में जाकर उसे वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ जो ये ईमेल आईडी है वो आप ही की है। तो आप सिंपली सिर्फ अपना ईमेल आईडी में जाइएगा और वहां पर आपको एक मैसेज आएगा एक्टिवेशन का, इस तरह से एक मैसेज आएगा, आपको यहाँ पर यहीं पर ही एक लिंक दी रहेगी, आप उसे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे उसके बाद फिर मैसेज जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली, इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ से भी आप जा सकते हो, यहाँ से आप होम पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज ऑनलाइन एक पेज ओपन होगा, उस पेज पे आप जाकर एग्जिस्टिंग यूजर यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने आपकी जो ईमेल आईडी है जो आपने वेरीफाई भी कर लिया है, आप सिंपली अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दीजिएगा, कंटिन्यू आप जैसे ही करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पासवर्ड दिया है वो आपसे, जैसे मैंने यहाँ पर वो पासवर्ड डाल दिया है जो मैंने उस रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। और यहाँ पर कैप्स लॉक दिया हुआ है, पहला है एक्स, यहाँ पर मैंने एक्स डाला, एक्स डालने के बाद EXHYK, जैसे हम यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको केस क्या अप्लाई करना है, आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए, ये जरूरी कोई से डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको अप्लाई करना आइडेंटिफाई, आपको अभी हमारा जो मेन है हमें फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है फ्रेश पासपोर्ट के लिए। यहाँ पर इस तरह से एक फॉर्म आएगा ऑनलाइन, अब आपसे वो यहाँ पर पूछेगा कि आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन रहेगा, तो आपको सिंपली सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा आप किस स्टेट के हो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया मध्य प्रदेश, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो कौन सा आपको डालना है डाल दो, मध्य प्रदेश भोपाल। जैसे हम यहाँ करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पेज पे आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर अप्लाई करना है आपको पासपोर्ट के लिए, फ्रेश पासपोर्ट के लिए करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे, नॉर्मल के लिए करना है, तत्काल के लिए करना है, हमें नॉर्मल के लिए करना है, आपको अपने पासपोर्ट में कितने पेजेस चाहिए, तो 36 इज आर सफिशियंट, आप चाहो तो 60 पेज भी कर सकते हो, इसकी कुछ फीस थोड़ा बढ़कर रहेगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर वो आपसे आपका नाम पूछेगा, गिवन नेम, आपका सरनेम, जहाँ पर एस्ट्रिक का साइन है वो चीजें आपको देना जरूरी है और बाकी इतनी एसेंशियल नहीं है, वो आपकी चॉइस पर है, आप चाहो तो भरो, आप चाहो तो उसे खाली छोड़ो। यहाँ पर जो जो जरूरी चीजें हैं वो फील्ड वो हम फिलअप कर देंगे, जैसे यहाँ पर नेम कर दिया और यहाँ पर सिर्फ सिंपली नेम लिखना है अपन को, डॉक्टर अगर आप डॉक्टरेट हो या कुछ हो ये चीजें अलाउ नहीं है। यहाँ पर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको भरना थी, जैसे कि जेंडर आपका मेल है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डाल दी है, आपकी प्लेस
आप बर्थ आपकी आउट ऑफ इंडिया है नहीं है, आप ये सारी चीजें ध्यान से आपको पढ़ना है और फिलअप कर देना है। आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब से है, बर्थ से है, ये सारी चीजें आपको भरना है। पेन अगर आप देना चाहो ये ऑप्शनल है, देखिए यहाँ स्ट्रिक का साइन नहीं है, तो आप चाहो तो इसे भरो, चाहो तो छोड़ दो। यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको भरना पड़ता है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिंगल एम्प्लॉय हो, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो आपको, आप होम मेकर हो या फिर आप एम्प्लॉय अभी नहीं हो, स्टूडेंट हो या आप जॉब ढूंढ रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, ये सारी चीजें आप देख कर यहाँ से फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, अगर आप माइनर हो तो यहाँ पर भी आप यस नो में जवाब दे सकते हो। हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एजुकेशन, तो अगर आप 10 से कम हो तो आपका जो पासपोर्ट है वह ECR में भराएगा। अगर आप 10 से ज्यादा पढ़े हो या 10 आपने पास करी है तो वो आपका पासपोर्ट NON-ECR में होगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ECR और NON-ECR में क्या डिफरेंस है। ECR मीन्स होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, NON-ECR का नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। सपोज अगर आप 10 पास हो तो आपका पासपोर्ट बनेगा NON-ECR में। NON-ECR में जब भी आप बाहर जाओगे तो आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी, नॉन रहेगी, आपको उस प्रोसेस से नहीं गुजरना रहेगा। लेकिन अगर आप 10 से कम हो और आपका पासपोर्ट ECR में बना है तो आपको जब भी बाहर जाओगे किसी वर्क या जॉब के सिलसिले में तो आपको NON-ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करना पड़ेगी। तो दोनों में ये अंतर है, अगर आप 10 से कम हो तो अगर 10th आपने पास नहीं करी है तो आपका पासपोर्ट बनेगा ECR में, जब भी आप बाहर जाओगे तो आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। अगर आप 10th पास हो या 10 से ज्यादा हो तो आपको उस प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली बच जा सकते हो बिना किसी हेडेक के। तो ये अंतर होता है ECR NON-ECR। यहाँ पर एक ऑप्शन में पूछता है आपका पासपोर्ट आप NON-ECR में डालना चाहते हो, तो हमने यस डाल दिया क्योंकि हमारे जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन या 10 से ज्यादा है। सो गाइस, हमने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, हमने समझ लिया ECR NON-ECR क्या होता है। NON-ECR और ECR के बारे में मैंने एक PDF फाइल और अटैच करी है अपने यूट्यूब चैनल के लास्ट में, आप उसे डाउनलोड करके उसमें आप इन सारी चीजें पढ़ सकते हो और डिफरेंस देख सकते हो ECR NON-ECR में क्या है। अब हम यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब हमारे फादर्स मदर से अपने गार्डियन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि नेम एड्रेस, नेम आपके फादर का, नेम आपकी मदर का, गार्डियंस नेम, ये सारे फिलअप करके आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि आप बाहर, आप आउट ऑफ इंडिया से हो, आपका घर का एड्रेस, आपकी सिटी क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा आता है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से भरना है क्योंकि आपका एड्रेस, यही एड्रेस आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होके आएगा, यही जो आपका पुलिस स्टेशन डालोगे यहीं पर ही आपका पासपोर्ट वेरीफाई के लिए जाएगा। आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है, इस मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज आएगा और आपको पुलिस वाले अगर कांटेक्ट करें तो वो इसी नंबर से आपको कांटेक्ट करके अपने स्टेशन बुलाना है या आपसे मिलना है तो इसी पे करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से, समझदारी से और कंसंट्रेट से भरना पड़ेगी। बस उसके बाद फिर आपको एक ईमेल आईडी देना है, आप चाहो तो वही जो आपने लॉगिन आईडी वही ईमेल आईडी दे सकते हो। इसी ईमेल आईडी पे आपकी एक एक इंफॉर्मेशन वो सेंड करते रहेंगे कि आपका पासवर्ड कब निकलेगा क्या, ये इन्फॉर्मेशन यहीं से आपका कम्युनिकेट भी होता रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पूछेंगे कि जो आपने एड्रेस दिया है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, वही आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है और वही आपका सेम रहेगा, मतलब इस तरह से आपको यस। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे दोगे कि आपका एड्रेस है, ये सब सारी चीजें देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे,
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट आएगा। सपोज आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट करना है तो कैसे करें, तो नेम और एड्रेस आपको दें, मैंने मोहम्मद सुबैर, और अपना पूरा एड्रेस जो आपका नाम है और पूरा फुल एड्रेस आप यहाँ दे सकते हो, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, और ये टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी यहाँ ऑप्शनल है, आपको अगर देना है तो दे सकते हो, अगर आपको ब्लैंक छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। जैसे ही आप फिलअप करके नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से ये पूछा जाएगा कि आप कभी आपने नॉर्मली इशू किसी तरह का आपने आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट लिया है पासपोर्ट सेवा केंद्र से, तो हमने बोला नहीं। आपके डिप्लोमेटिक से कभी किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट या कुछ हुआ है, हमने बोला नहीं। किसी तरह की कोई डिटेल हमारी अवेलेबल नहीं है डिप्लोमेटिक के पास, डिप्लोमेटिक ऑफिसर ऑफिस में, और इसी तरह से आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है या बनवाया है, तो अभी हमारा फ्रेश पासपोर्ट है, हमने कभी नहीं बनवाया, हम नो कर देंगे। नो ये सारे ऑप्शन हमें ध्यान से पाना है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन पूछे हैं कि कभी आपका क्रिमिनल कोई चार्जेस रहा है, आप कोई किसी तरह का आपने अपनी कंट्री के लिए कुछ मिसबिहेव या कुछ क्रिमिनल्स हमारे उससे रिलेटेड है, जैसे प्रोवाइड फॉलोइंग डेटा हैज बी रिफ्यूज, कभी आपका पासपोर्ट डिनाई हुआ है, कभी रिजेक्ट हुआ है, तो वो भी हमें देना पड़ेगा, हमारा नहीं हुआ है, हमने फर्स्ट टाइम भर रहे हैं। प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा, पासपोर्ट एप्लीकेशन हैव बीन रिवोक्ड, किसी तरह के आपने रिवोक्ड करा है पासपोर्ट, मतलब आपका पासपोर्ट किसी तरह से डिसमिस हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पाना है। तो यहाँ से आपको यस नो में आंसर देकर सिंपली अब आपके जो पासपोर्ट वो इस तरह से दिखेगा, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो आपकी नेशनलिटी वो इंडियन रहेगी, आपका नेम रहेगा इस तरह से, आपका नेम दिया रहेगा, यहाँ पर आपका उपनाम आपने कुछ नहीं डाला तो वो ब्लैंक रहेगा, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, यहाँ पर आपके पासपोर्ट जब बनेगा उसकी डेट, और आपकी जब पासपोर्ट एक्सपायर होगा उसकी डेट, यहाँ पर आप जो फोटो लगाओगे वो फोटो यहाँ दिखेगा, आपके सिग्नेचर यहाँ दिखेंगे, यहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, लीगल गार्डियंस का नेम दिखेगा, यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम दिखेगा, अगर आप हमने सिंगल भरा है, अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ का नाम दिखेगा, यहाँ आपका फुल एड्रेस दिखेगा, और यहाँ फुल एड्रेस, ये सारी चीजें जो हमने पासपोर्ट में भी यहाँ शो कर देते हैं आपके पासपोर्ट इस तरह, आप एक बार चेक कर लीजिए और सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब हमें अपने डॉक्यूमेंट देना है कि बर्थ और प्रूफ के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, तो पहले यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, आप देख लीजिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो, आधार कार्ड या एधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लगा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी पैन कार्ड, या फिर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, टेंथ की मार्कशीट भी लगा सकते हो, तो हम सिंपली आधार कार्ड यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ आधार कार्ड हमने बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट के लिए आपके पास है तो वो लगा लीजिए। यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ और लगाना रहेगा, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप चाहो तो आधार कार्ड लगा लीजिए, बैंक की आपकी पासबुक है वो लगा सकते हो, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो जो आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, या फिर इनकम टैक्स आइडेंटिफाई पैन कार्ड है आपके पास वो लगा सकते हो, तो हम यहाँ पर सिंपली अपना पैन कार्ड यहाँ पर लगा लेंगे, या फिर आपके पास बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे इजी पे होता है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट के लिए जो SMS सर्विस वो चाहिए तो आप यस करिए, उसके आपको अलग से ₹50 पासपोर्ट जब आप ऑफिस जाओगे वेरीफाई करेंगे वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। आपसे एक बार मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि इसी मोबाइल नंबर पे आपको मिलेंगे, तो हम यहाँ पर अगर आपको ये नहीं चाहिए SMS सर्विस तो आप नो कर सकते हो, यहाँ पर आपको किसी तरह के चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे, बस सिंपली यहाँ पर आपका जो प्लेस है आप वहाँ पर अपना प्लेस डाल दीजिए, प्लेस जैसे कि यहाँ पर भोपाल में क्लिक कर दिए और एग्री कर हम अपने फॉर्म को अब यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे अब हमारे पास दूसरी चीज आएगी
कि हम अब पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, अब हमें यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब यहाँ पर हम पे करेंगे और अपॉइंटमेंट ले लेंगे। हम पेमेंट मोड पे आ गए हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन देना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हो, डेबिट कार्ड यूज करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो, या फिर सिंपली बैंक चालान के थ्रू आप करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हमने ऑनलाइन पेमेंट और नेक्स्ट करा तो यहाँ पर ये यह हमारा रेफरेंस नंबर बता देगा, अपना नेम बता देगा, हमारी टेटो पर हमें सिंपली क्लिक नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ डेट्स बता देगा जिसमें अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। हम यहाँ से अपनी सिटी के हिसाब से हम डेट चुन सकते हैं, या जैसे यहाँ पर दिया है विदिशा में 3 अक्टूबर को डेट है, हमें यहाँ पर सिंपली भोपाल का अपॉइंटमेंट चाहिए, भोपाल ऑफिस का, तो हम यहाँ पर डेट हमें अवेलेबल मिल जाएगी 4 अक्टूबर में। तो हम यहाँ पर 4 अक्टूबर डेट चूज कर लेंगे। अब हम अभी हमने सिर्फ यहाँ पर 4 डेट लिया, अब यहाँ पर आके हमें यहाँ लोकेशन देखना, हमें कहाँ कौन सी लोकेशन में अपना अपॉइंटमेंट चाहिए। हम PSK भोपाल डाल देंगे और यहाँ पर कुछ कैप्स लॉक दिए हुए हैं, ये कैप्स लॉक करके हमें नेक्स्ट पे जाना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3YG7XZU, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ से हम फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आ गए। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमारा नेम, हमारा जो फीस रहेगी टोटल वो 1500 रुपीज रहेगी। यहाँ पर जो हमने डेट देखी थी वो हम 4 तारीख की हमारे अवेलेबल थी, हम यहाँ पर 4 डेट डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर फीस भरने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और हमारी 4 तारीख की डेट बुक हो जाएगी। यहाँ पर ये ऑप्शन इसने दे दिए हैं कि आप किस कौन से बैंक में जाना, किस बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, अदर बैंक्स में या SBI में। तो हमें सिंपली SBI से हम करना चाहते हैं, SBI में क्लिक करा, हमारे पास ये ऑनलाइन बैंक, ऑनलाइन जहाँ से हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं वो विंडो खुल गई। यहाँ से आप जाकर वो प्रोसेस जैसे आप करते हो प्रोसेस वो करके आप अपना यहाँ पर पैसा सबमिट कर सकते हो। सो गाइज, अब आपके पेमेंट सबमिट हो गई है, वहाँ पर आपने शेड्यूल में अपना टाइम भी ले लिया है, आपने डेट आपको बुक कर ली है, आपको किस शेड्यूल में जाना है। अब आपको वहाँ जाकर के क्या क्या लेके, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप पहले लॉगिन कर, जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद आप व्यू एंड सेव्ड सबमिशन एप्लीकेशन का एक आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको ये जहाँ पर आपकी जो ARN नंबर, आपकी एप्लीकेंट ये आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सारे एक्टिव जो एक्टिवेट हो गए दिख जाएंगे। आपने पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट ले ली है, प्रिंट एप्लीकेशन में आप यहाँ जाओगे तो आपका पूरा प्रिंट एप्लीकेशन हो जाएगी, आप प्रिंटर से वो एप्लीकेशन निकाल लेना और यहाँ पर आप प्रिंट व्यू सबमिटेड फॉर्म यहाँ पर देख सकते हो। आप ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट यहाँ क्लिक करोगे तो आपके यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट प्रिंट एप्लीकेशन आपके पास निकल आएगा, यहाँ पर प्रिंट सबमिटेड फॉर्म निकल आएगा। ये सारे फॉर्म आप प्रिंट करा के वहाँ पर आपको ले जाना पड़ेगा, ये सारे प्रिंट करा कर ले जाना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी वो बुक होगी, अभी मैंने सिर्फ आपको डेमो दिया है, आप रियल में फीस सबमिट कर दोगे तो आपके ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे अपॉइंटमेंट हिस्ट्री। यहाँ से आप सिंपली प्रिंट निकालेंगे आपका, और या फिर आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है तो आप मोबाइल मैसेज दिखा के भी वहाँ पर जा सकते हो कि आपका आज अपॉइंटमेंट है वहाँ पर। अब ये सारे चीजें करने के बाद आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट ले जाना है वो और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला डॉक्यूमेंट आपने भरा है कि हमें आधार कार्ड, आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करा है तो आपको आधार कार्ड की ओरिजिनल और उसकी जेरोक्स कॉपीज ले जाना पड़ेंगी। और आपने एड्रेस प्रूफ में बिल लगाया है, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपको उसका ओरिजिनल और उसकी फोटो कॉपी करके ले जाना पड़ेगा। अगर आप बिजली का बिल नहीं लगाते हो तो आप पैन कार्ड या फिर बैंक की पासबुक ओरिजिनल, आपकी जो मेन पासबुक है वो ले जाना पड़ेगी और उसका फोटो कॉपी करा के ले जाना पड़ेगा। और तीसरी चीज है, आपने फॉर्म अगर NON-ECR में बनवाया है तो आपको फिर वहां पर अपने 10th
पास या फिर 10 से ज्यादा डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। मेन आप 10 की मार्कशीट आप ले जाओगे, आपका काम हो जाएगा वहां पर। ये तीन मेन डॉक्यूमेंट है आपकी 10 की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिजली का बिल ले जा रहे हो या बैंक की लगा रहे हो या फिर आप उसमें आधार कार्ड ही यूज कर रहे हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ ले जाना है सिंपली। और वहाँ पर ये यहाँ से आप प्रिंट निकाल लोगे, जो जो प्रिंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं ये प्रिंट आपको यहाँ वहाँ ले जाकर बस वहाँ पर आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और आपके पासपोर्ट प्रोसेस के लिए डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपके इसी में आपको बार बार, जैसे अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ पासवर्ड और अपनी आईडी डालकर, ऐसे ही खोलना है। यहाँ पर आप ट्रैक ये एक्टिवेट हो जाएगा जैसे आपका प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन ट्रैक एप्लीकेशन, इसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपको सारी एप्लीकेशन ट्रैक होती रहेगी कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट पहुँचे। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद भी फिर आप ट्रैक कर सकते हो कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया है, और बाद में जब आपका पासपोर्ट वहां से डिस्पैच किया जाएगा तो वो भी आप देख सकते हो कि किस डेट को डिस्पैच किया गया है, जिससे आप अपने पासपोर्ट की पूरी ट्रैक कर सकते हो कि पोजीशन वो कहां पहुंचा है। यहां से आप ये कर सकते हो जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं आ जाता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और मेरे YouTube चैनल रिसर्च एरिया वेब्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।